हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं भोजमुक्त विश्वविद्यालय भोपाल ओपन बुक एग्ज़ाम 2021 BA सेकेंड ईयर हिंदी भाषा एवं नैतिक मूल्य का कंप्लीट सोल्यूशन। तैयारी जीत चैनल पर BA के सभी पेपरों का सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। तो आप क्या है फ्रेंड, आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा दिखाने का कारण यह है कि फ्रेंड आपके जो वीडियो डालने में थोड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि वीडियो एक दिन में एक ही डल पा रहा है, क्योंकि इस पे वॉच टाइम थोड़ा सही नहीं रहा आ रहा है। इस कारण से जो यूट्यूब द्वारा इस चैनल पर एक समस्या पैदा कर दी गई है, जिससे कि एक दिन में केवल एक ही वीडियो डल पा रही है। यदि आप व्यूज़ अच्छा मतलब अच्छा टाइम रहा इस पर, अगर अच्छा टाइम आता रहा वॉच टाइम, वीडियो अगर पूरा चार मिनट का है तो 3 मिनट या 4 मिनट दिखा, तो फ्रेंड सभी लोग सब देखेंगे, तो फिर मतलब ये सही हो जाएगा। तो एक दिन में आपको 4 से 5 वीडियो मिल पाएंगे, तभी आपका सोल्यूशन पूरा मिल पाएगा फ्रेंड। क्योंकि अगर एक दिन में एक वीडियो आएगी तो 8 तारीख तक आपके पूरे पेपरों का सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो आपसे निवेदन है कि फ्रेंड सपोर्ट कीजिए, और अपने जितने भी पेपर रह गए हैं उनका मैं सोल्यूशन जल्दी से जल्दी पहुँचाऊँगा फ्रेंड आप तक। तो आप क्या है कि वीडियो पूरा देखिए। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे सपोर्ट बनाए रखे हैं, आगे भी सपोर्ट बनाए रखें। आपके सपोर्ट के बिना मेरा चैनल कुछ नहीं है फ्रेंड, तो आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। तो हमारा आज का पेपर का टॉपिक है BA सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज एवं एंड मोरल वैल्यूज़। तो क्वेश्चनों का आंसर आप देखेंगे, क्वेश्चन आप पेपर से मिलाते चलिए, उसके बाद आंसर आप यहाँ पर देखते चलिए फ्रेंड। तो ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है फ्रेंड, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। ये रहा हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी भाषा में विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में लिखना है आपको। विराम चिन्हों की आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि फ्रेंड अगर विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो कुछ का कुछ अर्थ निकलेगा। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया देख सकते हैं आप। इंद्रधनुष आपको पता ही होगा फ्रेंड, इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। और इंद्रधनुष बनते क्यों हैं, क्योंकि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है आपका, या फिर अपवर्तन और परावर्तन, परावर्तन और अपवर्तन की घटना होती है फ्रेंड, ये इसके कारण इंद्रधनुष बनता है आपका सूर्य के सामने। यह हमारे डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व पर संक्षिप्त में प्रकाश डालना था, तो यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है आपको एंड तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है फ्रेंड, ये यहाँ से ये डॉक्टर कलाम के यहाँ से लिखेंगे आप, तो ये डॉक्टर कलाम का यहाँ से लिखकर यहाँ तक जाएगा, फिर इसके बाद ये डॉक्टर कलाम का ही रह गया है थोड़ा फ्रेंड, तो उसका ही है, आप देख लीजिए यहाँ पर, ये डॉक्टर कलाम का ही है, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर इतना ही है। इसके बाद ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसका शेष आंसर अगले पेज पर है। तो ये रहा आपका अगला शेष आंसर इसका, इसके बाद ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और ये इसका नीचे आंसर, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ तक ही होगा, इसके बाद आगे अगले पेज पर होगा। यदि फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सोल्यूशन आपके जितने भी रह गए हैं तो कमेंट में जाकर आप कमेंट कर दीजिए, उस पर अगला वीडियो आपको प्रदान कर दिया जाएगा। यहाँ से यहाँ तक नीचे तक आपका ये कम्प्लीट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर वैज्ञानिक आविष्कारों का, ये यहीं पर कम्प्लीट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप, सादगी पाठ का उद्देश्य नीचे तक लिखेंगे। इसके बाद शेष आंसर आपका ये रहा इसमें, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। इसके बाद शेष आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है इसका। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो में आपको जितने भी आंसर रह गए हैं वो मिल सकें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।